ये है जापान, जो वर्ल्ड की ऐसी कंट्री है जिस पर कोई न्यूक्लियर अटैक हुआ है, और ये अटैक यूएसए ने 1945 में जापान के दो शहर हिरोशिमा और नागासाकी को टारगेट किया। ये अटैक इतना भयानक था कि ये दोनों सिटी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। हजारों में नहीं, इवन लाखों लोग इस अटैक में अपनी जान गंवा चुके। इवन अटैक होने के कई साल बाद तक यहाँ बच्चे विडी फोन पैदा हुए, और आज तक भी कई सारे इफेक्ट देखने को मिलते हैं। एंड इन स्पाइट ऑफ दैट, जापान की 75% पॉपुलेशन यूएसए को एज ए फ्रेंडली नेशन देखती है। इवन जापान के मिलिट्री, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल टाइज यूएसए के साथ इतनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग में है कि अगर किसी अदर कंट्री ने जापान पर अटैक किया तो माना जाएगा यूएसए पर अटैक किया गया। इन दोनों कंट्री के रिलेशन इतने अच्छे होने के बावजूद भी वर्ल्ड हिस्ट्री का सबसे बड़ा अटैक यूएसए ने जापान पर किया था। कीपिंग ऑल दिस पॉइंट इन माइंड, जापान ने अपने आप को कैसे इतना डेवलप किया और जापान के रिलेशन यूएसए के साथ इतने अच्छे कैसे हुए? वेल, मेरा नाम है रिटगोफ और स्वागत है आपका एक और नॉलेजेबल वीडियो में। अब यहाँ एक चीज मेंशन करना जरूरी है, न तो हम एंटी अमेरिका है और न ही एंटी जापान। इस वीडियो का बेसिक पर्पज ये है कि न्यूट्रल रहते हुए फैक्ट्स को ऐसे प्रेजेंट किया जाए कि बहुत से लोग रियलिटी के बारे में एजुकेट हो सके। 150 साल पहले यूएसए और जापान के रिलेशन बनना शुरू हुए थे। तब जापान में एम्परर्स रूल हुआ करता था। तब जापानीज एम्परर्स ने जापान को मॉडर्नाइज करने के लिए अमेरिका से टाइज की, जिसके बाद से यूएसए ने जापान में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन किया। जापान के अंदर मॉडर्न वेपन्स, मॉडर्न वॉरफेयर, इवन पॉलिटिक्स को इंट्रोड्यूस भी किया, और ये सभी न्यू मॉडल कॉन्सेप्ट जापान एक्सेप्ट भी कर रहा था। नेशन हिस्ट्री में देखा जाए तो जापान ऐसा कंट्री है जिसके ऊपर कभी किसी दूसरी कंट्री का रूल नहीं रहा, यानी जापान हमेशा इंडिपेंडेंट रहा है। लेकिन इसके बावजूद जापान ने अपने आप को डेवलप करने के लिए दूसरे कंट्री के साथ अलायंस किया। जहाँ जापान अपने आप को मॉडर्नाइज करने में लगा हुआ था, वहीं जापान में दूसरी तरफ एक और ग्रुप था जो जापान को हजारों सालों से प्रोटेक्ट भी करते थे। यहाँ तक कि वो जापानीज एम्परर के नीचे रहकर जापान के लिए हर लड़ाई भी लड़ी, और ये वो लोग थे जिन्हें कहा जाता है समुराइज। अब समुराइज ग्रुप को ये बिल्कुल पसंद नहीं था कि जापान अमेरिकन न्यू पॉलिसी एक्सेप्ट करे, क्योंकि वो लोग अपने ओल्ड कल्चर एजुकेशन पॉलिसी को खोने से घबरा रहे थे। अब इन सब चीज़ों के डर से समुराइज ग्रुप ने जापानीज गवर्नमेंट और एम्परर के अगेंस्ट लड़ाई छेड़ दी। जापानीज गवर्नमेंट और अमेरिकन आर्मी ने मिलकर समुराइज ग्रुप के खिलाफ लड़ाई लड़ी और एक एक करके पूरे समुराइज ग्रुप का सफाया कर दिया, जिसके बाद से अमेरिका और जापान के रिलेशन इतने फ्रेंडली हो चुके थे कि 1960 में वर्ल्ड वॉर वन में जापान और अमेरिका ने मिलकर जर्मनी के खिलाफ लड़ाई लड़ी। लेकिन सिचुएशन तब खराब हुई जिस समय जापान एज अ सुपर पावर इमर्ज कर रहा था। इवन जापान के सामने कोई भी एशियन नेशन खड़ा नहीं हो सकता था। अब वर्ल्ड वॉर वन जीतने के बाद जापान चाहता था कि जर्मनी के अंडर आने वाली एशियन टेरिटरी जिस पर जर्मनी का कब्जा था, वो सब टेरिटरी जापान को दे दी जाए। जापान की ये डिमांड यूएसए को पसंद नहीं आई, बिकॉज वेस्टर्न वर्ल्ड चाहता था इन सभी स्टेट्स को इंडिपेंडेंट्स कर दिया जाए। वहीं अगर एशिया को देखा जाए, एक तरफ यूरोप, फ्रांस, जर्मनी ने एशिया की अलग अलग कंट्री के ऊपर कब्जा किया हुआ था, एग्जाम्पल के लिए इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड चाइना। वहीं दूसरी तरफ ये नेशन चाहते थे कोई भी एशियन कंट्री इतना ताकतवर ना बन सके कि वो दूसरी कंट्री के ऊपर अपना कब्जा कर सके। अब ये डबल थिंकिंग जापान को बिल्कुल पसंद नहीं आई, क्योंकि जापान चाहता था अगर एशिया पर रूल होना चाहिए तो केवल एशियन का। इसी कारण जापानीज एम्परर्स ने अपने एटीट्यूड को बरकरार रखा और अलग अलग एशियन कंट्री पर कब्जा करना शुरू कर दिया। वहीं दूसरी तरफ जापान यूरोपियन कॉलोनीज के अगेंस्ट भी था, और ये चाहता था कि जिन जिन देशों पर यूरोप कब्जा करके बैठा है वो कब्जा हट सके और इन सभी कंट्रीज को आजाद कर दिया जाए या फिर जापान के अंडर कर दिया जाए। जापान की ये डिमांड्स यूएसए और ब्रिटेन को बिल्कुल पसंद नहीं आई। इन सब डिमांड्स की वजह से अमेरिका और ब्रिटेन जापान के एंटी हो गए, और अब वर्ल्ड वॉर टू के अंदर सिचुएशन इतनी खराब हो चुकी थी कि जापान ने इन सभी डिमांड्स की वजह से अमेरिका के खिलाफ जर्मनी और इटली को सपोर्ट किया। अभी तक अमेरिका ने वर्ल्ड वॉर टू में पार्टिसिपेट नहीं किया था, मगर वॉर के
के लिए अमेरिका अपनी आर्मी को प्रिपेयर कर रहा था, लेकिन अमेरिकी आर्मी प्रैक्टिस को देखकर जापान को लगा शायद अमेरिका उन पर अटैक कर सकता है। ये सोच रखते हुए जापान ने 7 दिसंबर 1941 में पर्ल हार्बर पर यूएसए नेवी के ऊपर बहुत बड़ा अटैक किया। इस अटैक की वजह से यूएसए नेवी डेवास्टेट हो गई और इस अटैक के बाद अमेरिका और जापान के रिलेशन काफी बिगड़ गए और दोनों देशों के बीच घमासान वॉर शुरू हो गया। इवन अमेरिका ने जापान की हाई पॉपुलेशन सिटी को टारगेट किया। इन अटैक्स की वजह से जापान के लोकल लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। वर्ल्ड वॉर टू खत्म होते होते जापान एशिया की कई सारी टेरिटरी मलेशिया, इंडोनेशिया, चाइना एंड फिलीपींस को अपने अंडर कर चुका था। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका पर्ल हार्बर अटैक का बदला जापान से लेना चाहता था, जिसका रिजल्ट ये हुआ अमेरिका ने 1945 में जापान के ऊपर दो न्यूक्लियर अटैक किए। अमेरिका ने फर्स्ट अटैक 6 अगस्त हिरोशिमा एंड सेकंड अटैक 9 अगस्त नागासाकी पर किया। इन अटैक्स की वजह से जापान को भारी नुकसान हुआ, क्योंकि आज तक जापान ही ऐसा कंट्री है जिसके ऊपर कोई न्यूक्लियर अटैक हुआ है। इन अटैक्स के बाद 15 अगस्त 1945 को जापान ने अमेरिका के सामने सरेंडर कर दिया। अब जापान पूरी तरह से अमेरिका के कंट्रोल में आ चुका था। सबसे पहले अमेरिका ने जापानीज एम्परर्स को उसकी पोजीशन से हटाया और अब जापान के ऊपर अमेरिकी रूल एंड रेगुलेशन अप्लाई कर दिए गए। लेकिन ये कंट्रोल वैसा बिल्कुल नहीं था जैसे कंट्रोल ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भारत के ऊपर किया था, बल्कि अमेरिका का ये कंट्रोल जापान में कोऑपरेटिव डेवलपमेंट फेवर में था, बिकॉज अमेरिका चाहता था जापान के अंदर डेमोक्रेसी आए। आफ्टर दिस अमेरिका ने जापान के लिए बाकी कंट्रीज के साथ मिलकर एक कॉन्स्टिट्यूशन बिल्ड किया। इसके बाद जापान के अंदर लेबर यूनियन, वुमेन वोटिंग राइट्स एंड डेमोक्रेसी को स्टेबलिश किया गया, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दिया गया और जापान को इस कैपेबल बनाया गया फ्यूचर में जापान अपनी गवर्नमेंट खुद चला सके। आफ्टर दिस 1952 में जापान को पूरी तरह से आजाद कर दिया गया, यानी हम समझ सकते हैं न्यूक्लियर अटैक्स के बाद जापान को डेवलप करने में अमेरिका का बहुत बड़ा रोल रहा है। दिस इज द रीजन जापान के 75% लोग अमेरिका को पसंद करते हैं। उम्मीद है रिटगोफ की ये वीडियो भी आप भरपूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे। इतना सपोर्ट करने के लिए आपका दिल से शुक्रिया।